चलिए तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर, निगम घोटाले की विजिलेंस जांच जारी है। 200 करोड़ के घोटाले में जल्द दो और FIR हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, जांच के घेरे में निगम के कई बड़े अधिकारी भी है, जल्द कई अधिकारियों की यहां पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। आरोपी ठेकेदार सातवीर जो है जांच के लिए कई खुलासे भी कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर की रकम के यहाँ पर बराबर होता था या जिस तरीके से धरातल पर काम किया जाता था, आपको बता दें कि वर्क ऑर्डर के बाद बढ़ाई जाती थी रकम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में कई अहम खुलासे होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। फरीदाबाद की खबर, निगम घोटाले की विजिलेंस जांच जो है वो जारी है। जांच के घेरे में निगम के कई बड़े अधिकारी जो है वो आ चुके हैं। आपको बता दें कि जल्द कई अधिकारियों की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हो सकती है। तो वर्क ऑर्डर की रकम के बराबर होता था धरातल पर काम, आपको बता दें कि वर्क ऑर्डर के बाद बढ़ाई जाती थी रकम। और जिस तरीके से मामला सामने आया है और ऐसे में लगातार जो जांच पड़ताल है वो जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल भी जारी है, फिलहाल क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? बिल्कुल, देखिए नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जब से सतवी ठेकेदार जो मुख्य आरोपी है 200 करोड़ के घोटाले का, उसको जब से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है, आज चौथा दिन है, वो रिमांड पर है, 6 दिन की रिमांड पर लिया गया था, तो रोजाना कहीं ना कहीं बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में 2 बार उसको निगम कार्यालय में भी ले जाया गया, जहां लेखा अधिकारियों के सामने उसकी बातचीत कराई गई। और कई ऐसे मामले अब निकल कर सामने आ रहे हैं कि इसमें 4 नाम तो पहले ही बड़े अधिकारियों के आ चुके थे, लेकिन 3 से 4 नाम और जोड़े जा रहे हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि ये जो घोटाला है काफी बड़ा घोटाला है, 200 करोड़ का। हालांकि इसको जो जांच का जो दायरा है वो 200 करोड़ के आसपास का है, लेकिन ये और भी ज्यादा बड़ा घोटाला हो सकता है। अगर इसी 200 करोड़ की भी बात करें तो देखिए 2017 से इस घोटाले की शुरुआत होती है और ये 2020 तक लगातार जारी रहता है। 2017 से इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो मामला पकड़ में आया था वो पहला मामला आया था वार्ड नंबर 14 का। वार्ड नंबर 14 में वर्क ऑर्डर जारी किया गया था 55 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के लिए, लेकिन वो इंटरलॉकिंग टाइल 2017 में न लगाकर उसका वर्क ऑर्डर 197 लाख यानी कि करीब 2 करोड़ का 2018 में कर दिया गया। लेकिन इस बीच में खास बात यह है कि जो 55 लाख का वर्क ऑर्डर सबसे पहले जारी किया गया था उसकी ही टाइलें उस वार्ड नंबर 14 में लगाई गई, लेकिन उसके जो पैसे की वसूली है फर्जी बिल बनाकर 197 लाख रुपए का ट्रांसफर ठेकेदार के खाते में अधिकारियों के माध्यम से किया गया। और न केवल एक घोटाला नहीं है, इसके साथ साथ में जो परतें खुल रही हैं, परत दर परत कई खुलासे होते जा रहे हैं, उसमें 1.5 लाख का भी 2 करोड़ के करीब उसको एनहांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ऐसे ही 16 लाख का मामला है। इसीलिए विजिलेंस के जो सूत्र हैं, अधिकारी हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2 अभी और FIR होनी है और बड़ी मछलियां इस शिकंजे में विजिलेंस के फंसने वाली हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घोटाला है धीरे धीरे इसकी जो परतें खुल रही हैं, इसमें और कई नाम शामिल होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब विजिलेंस कड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। जी तरह बिल्कुल देवेंद्र, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 200 करोड़ की बात है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकते हैं? इनके तार कहां कैसे जुड़े थे, इसको लेकर भी क्या खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से, देखिए ये अगर मामले की बात करें तो इसके तार जो पूरे अधिकारी उच्च अधिकारी हैं उनके जो निगम कमिश्नर तक की, यानी कि अगर कहें तो निगम कमिश्नर तक इनके तार जुड़े हुए हैं। चूंकि तत्कालीन जो निगम कमिश्नर हैं उनके दौरान में ये घोटाला हुआ है। 2017 से बात करें तो पहले कुछ जो पार्षद थे उनकी तरफ से उनके जो वार्ड में काम नहीं हुए थे और उन काम की पेमेंट कर दी गई थी, तो वहां से कहीं ना कहीं ये जो भूमिका घोटाले की ही वो तय की गई, आगे बढ़ा। और पार्षदों की तरफ से जब सवाल उठाए गए, जांच कराई गई, तो ये सामने मामले आए कि काम हुआ नहीं है और उसकी पेमेंट कर दी गई है। इसके साथ साथ में इंजीनियरिंग विभाग के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से बिल बनाए गए, फर्जी बिलों को आगे पेश किया गया, लेखा कार्यालय में गया, लेखा कार्यालय की तरफ से उनकी पेमेंट कराने की कोशिश हुई। और वो जो तमाम इस बीच में 3 या 4 साल के बीच में करीब 190 करोड़ सतवी ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर किए गए। ऐसे में कई जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, वो बदल भी गए। उसके बाद में निगम कमिश्नर की तरफ से भी एक जांच कमेटी बनाई गई और उस जांच कमेटी के दौरान भी तमाम, चाहे अधिकारी की
बात करें चाहे ठेकेदार की बात करें, इनको बार बार नोटिस दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए, इनसे कहा गया ये अपना पक्ष रखने के लिए, हालांकि कहा जाता है कि वो आए नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है जो आरोपी अधिकारी और ठेकेदार था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चार ऐसे अधिकारियों के नाम आए जो बड़े अधिकारी थे जिनकी देखरेख में ये महाघोटाला बहुत बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे में अभी भी कई अधिकारियों के नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं और सामने भी आ सकते हैं। देवेंद्र आप भी नजर बनाए रखिएगा आगे।